आयमा अपनी स्किन अपने बालों का ख्याल कैसे रखती है या ये जेनेटिक है? आई स्वेयर टू गॉड जेनेटिक है, मैं कुछ भी नहीं करती. हाँ मुझे स्किन का ख्याल रखने का जरा अब शौक हुआ है क्योंकि अब जरा मेकअप शेकअप होता है तो बंदा कहता है कि अच्छा यार ठीक है अब स्किन का ख्याल रखना जरूरी है. बट अब क्योंकि अब आप इंडस्ट्री में भी आ गए तो आप ऐसे फ्लॉलेस फेसेस देखते हो, आपकी जैसे फेसेस देखते हो, फ्लॉलेस फेसेस, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्या करें. आई एम श्योर तो आप लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, फिर कहते हैं यार हमने भी ऐसा दिखना है एंड ऑल दैट. तो फिर या अब रखना शुरू हुई हूं, वरना इट्स ऑल जीन्स. थैंक्स टू माय मॉम. कुछ खाने पीने का ख्याल रखती हो? By the way, you would not believe I used to be 75 kgs or even more than that. हाँ जी बिल्कुल. I used to have triple chin and all that. वो baby fat होगा बहन. नहीं baby नहीं थी मैं कोई. I was 16, 17. I was in college. तो वो भी baby fat ही कहलाता है. हाँ लेकिन college में बंदा लड़की मतलब लड़कियाँ तो बड़ी उस time तक हो जाती हैं ना you know set रखती हैं. और मुझे बड़ा एक वो था कि यार कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया था कि यार मेरे साथ की सारी लड़कियां वो कपड़े पहन रही जो मैं नहीं पहन पा रही क्योंकि उसमें मैं यू नो आई कुड नॉट आई वाज 75 मोर देन 75 केजी. कैसे कम किया? कम किया मैंने बड़ी मुश्किल से किया. और वैसे बाय द वे आई शुड नॉट से दिस बट मुझे बीच में डेंगू हो गया था. सो जब डेंगू मुझे अल्लाह माफ करे बट जब मुझे डेंगू हुआ तो सिंस देन आई नेवर गेन. मैंने बीच में कभी दोबारा गेन नहीं किया. वो मैंने आपको कहा ना बेबी फैट था वो उतर गया. पता नहीं वो बेबी फैट मुझे कोई 17 साल तक तो लगा रहा. उससे मेरी जान नहीं छोड़ी. और तो उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैंने कहा यार मुझे दोबारा कभी नहीं होना. तो मैंने हमेशा अपनी डाइट अब इस तरह होगी कि अब मैं कुछ भी खाती हूँ. अच्छा लेकिन ये है कि वो लगता है कम ही है. मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जरा कुछ ज्यादा ही हो गया. जिम भी करती हो? अगर बहुत बहुत किया है मैंने निदा. अच्छा कोई 3 साल रेगुलर. डेंगू से पहले? डेंगू के बाद. डेंगू के बाद. अच्छा जब बड़ी हो गई ना ऑलमोस्ट जब कोई 21-22 की हुई तब मैंने जिम इस तरह किया जैसे कोई फर्ज का नहीं होता. इस तरह किया है सवाब का काम है इस तरह किया मैंने. लेकिन फिर मैंने कहा बस हो गई. लेकिन मैं आई वाज ऑलवेज मोर फैसिनेटेड टुवर्ड्स योगा एंड कार्डियो. वो मैंने ज्यादा किया. मैं तो समझी कि मतलब ऐसी है ना मतलब पतली होती मेहनत नहीं था बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. आई वाज 75 केजी इवन देन. पर मैं कहूंगी मैं तब भी बहुत खुश थी. मुझे आई एम अ वेरी फूडी पर्सन. मुझे खाना बहुत ये हमने बातें करनी है भाई. खाना वक्त के बाद मजे मजे की एक्टिविटीज भी आपका वेट करी. और आयमा बेगो और कानों में कोई सुरीली आवाज ना आ रही हो कुछ गाना. सुबह सुबह आपने मुझे उठा दिया आज बेसुरी भी हो सकती हूँ. हाँ चलता है. आयमा बेग का बेसुरापन भी कैसा होगा वो भी देख लिया. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.